ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 8 कितने लोगों ने ट्राई की? ठीक है, किया ट्राई, तो एक बार देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म, तो सी की वैल्यू निकालनी है. तो ऐसा हमने पहले भी किया. क्या? कि अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इक्वल टू 1. तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, तो आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल टू 1. स्क्वेयरिंग करके सी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक. क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी का मतलब होता है वी वेक्टर, और गिवन क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा वेक्टर है, एंड साथ में आर वेक्टर भी गिवन है. तो ये हमने किया नहीं हुआ, आने वाले टाइम में हम सर्कुलर मोशन करेंगे, उसमें ये पढ़ाया जाएगा कि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. तो ये फॉर्मूला लिख लें प्लीज. v वेक्टर लीनियर वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो ओमेगा क्रॉस r होता है, क्योंकि हमें ओमेगा वेक्टर गिवन है, क्योंकि हमें r वेक्टर गिवन है, हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट सबको लेना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो वेक्टर आएगा वो मार्क कर देंगे. तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, एंगल निकालना है किसमें? आई कैप, जे कैप, के कैप में एंड आई कैप में. तो एंगल निकालने का तरीका हमने किया हुआ है, कॉस थीटा क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी. ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर भी पता है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1. तो i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1/√3. तो आंसर आएगा नन. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो सबका हो गया, ये हो जाएगा एंगल निकालना. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग i कैप प्लस j कैप. ये तो डॉट प्रोडक्ट के टेस्ट में भी था कि एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर पे. तो कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक कंपोनेंट निकलेगा a cos थीटा. तो आंसर क्या आएगा? a cos थीटा अलोंग b वेक्टर की जगह b कैप. तो आपको एक a cos थीटा निकालना है और एक b कैप निकालना है. a cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? a वेक्टर b वेक्टर पता है, तो a cos थीटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय b. a वेक्टर पता है, b वेक्टर पता है, b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1² प्लस 1² रूट 2, a cos थीटा की वैल्यू आ गई. ऐसे करते हैं, a cos थीटा की वैल्यू आ गई. अब आपको क्या निकालना है? b कैप. b कैप क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा. तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर a cos थीटा निकलेगा और फिर b कैप निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा. फिफ्थ क्वेश्चन, कितने लोगों को डाउट है? डाउट है? देखो क्वेश्चन है, आपको एक कंपोनेंट निकालना है 3i कैप प्लस 4j कैप का, एक वेक्टर गिवन है, इसका कंपोनेंट निकालना है i कैप प्लस j कैप पे, नहीं निकालना, एक ऐसे वेक्टर पे निकालना है जो i कैप प्लस j कैप के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए. तो यानी कि आपको ये वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, किसके ऊपर निकालना है? एक नए वेक्टर पे निकालना है जो i कैप प्लस j कैप के साथ एंगल क्या बनाए? 90 डिग्री बनाए. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, एक बात बता कि i कैप प्लस j कैप मेरे पास एक वेक्टर है, तो क्या तू मेरे को एक ऐसा वेक्टर बता सकता है जो इसके साथ 90 डिग्री पे हो? उसने कहा बता सकता हूं. उसने आंसर दिया i कैप माइनस j कैप. मैंने कहा कैसे? कहता डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, i को i के साथ 1, j को j के साथ 1, 1 में से 1 गया 0. हाँ, मैंने कहा ठीक है, तो मैं इसके अलोंग निकाल लूं. तो एक और स्टूडेंट आया, वो कहता जी मेरे पास भी एक वेक्टर है, क्या? जे कैप माइनस आई कैप. तो ये वेक्टर देखो, इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? माइनस 1 और 1 0. तो ये वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री पे है, ये वेक्टर भी इसके साथ 90 डिग्री पे है. फिर एक और स्टूडेंट आया, वो कहता मेरे पास भी एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप, चेक कर लो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस. उसने कहा देखो इसका 0. फिर एक और स्टूडेंट आया, वो कहता चलो ऐसे करते हैं 4j कैप माइनस 4i कैप, चेक कर लो इसका क्या आएगा? 0. अब मैं कंफ्यूज हो गया,
क्योंकि मेरे को कहा गया था कि आई कैप प्लस जे कैप के परपेंडिकुलर वेक्टर को ढूंढो और उसके ऊपर कंपोनेंट बनाओ। अब देखो, मुझे जब तक परपेंडिकुलर वेक्टर पता नहीं लगेगा, मैं कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करूंगा? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं जरा ऑप्शंस देख लूं। ऑप्शन में, हर ऑप्शन में दिख रहा है जे माइनस आई, जे माइनस आई, जे माइनस आई, जे माइनस। तो मैंने फैसला कर लिया कि मेरा जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो मैं क्या कंसिडर करूंगा, जे माइनस आई। तो फैसला हो गया यहाँ पर, तो फैसला क्या हो गया कि अब मैं ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालूंगा इस वेक्टर के परपेंडिकुलर पे, और इस वेक्टर का परपेंडिकुलर ऑब्जेक्टिव की ऑप्शन देख के मैं क्या एज्यूम करूंगा, जे कैप माइनस आई कैप। कोई डाउट इसमें? तो अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया, ए वेक्टर का कंपोनेंट इसमें निकालना है तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। तो कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा अलोंग बी कैप। ए वेक्टर, बी वेक्टर पता है, तो ए कॉस थीटा में ए वेक्टर, बी वेक्टर और बी की वैल्यू पुट करके ए कॉस थीटा आ गया, और ए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, और बी कैप क्या है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बी कैप में अ वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड आंसर आ गया। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें। इसमें रादर एक और भी स्टेटमेंट गिवन थी, अभी दिखाता हूं, पर यहां तक ये पॉइंट क्लियर है सबको? कितना हो गया था वैसे ये? अच्छा, हो गया था। तो ऑब्जेक्टिव से आप हिट एंड ट्रायल से देख सकते थे कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर जे कैप माइनस आई कैप की तरफ आएगा। यहां तक क्लियर है? अब इसमें ना एक और स्टेटमेंट गिवन थी जो और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप। ये तो यूज ही नहीं किया, एक स्टूडेंट आया सर ये तो ऐसे ही इतना बड़ा वेक्टर दिया हुआ है, मैं घबरा गया देख के, इसका यूज क्या है? नहीं, यूज कोई नहीं है, पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है एक्स वाई प्लेन में? वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आई कैप प्लस जे कैप का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप जब हिट एंड ट्रायल में मन में सोचेंगे उसमें के कैप मत लेके आना, क्योंकि वो जो कंपोनेंट आएगा वो आई और जे के अंदर ही आएगा। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है इस वेक्टर का वैसे कोई काम नहीं है, बस वो ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो इस प्लेन में लाई करेगा, आई और जे के प्लेन में। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो मेरे ख्याल से वैसा ही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया था कि एक कार या स्कूटर जा रहा है या कोई बाइक जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, और फिर वो अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है नॉर्थ, स्पीड चेंज नहीं होती, फिर भी वो कहता है कि फाइंड एक्सेलेरेशन, और ऐसा ये चेंज 10 सेकेंड में होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, एक पर यहाँ पर ट्राइंगल बनाया था, इसका नाम डेल्टा वी था। तो ये अगर 5 है, ये 5 है, तो ये पाइथागोरस से 5√2 आ गया, ये रहा 5√2, तो डेल्टा वी आ गया। डेल्टा वी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ गई, एक्सेलेरेशन 1/√2 है। तो मैंने बताया था कि चेंज ऑफ डायरेक्शन से भी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। इसका आंसर मुझे पता नहीं, डायरेक्शन में शायद पीछे गलत भी हो सकता है, इसकी जो डायरेक्शन आएगी इसके पैरेलल बना लो ये डेल्टा वी, तो डायरेक्शन आएगी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मार्क करना, नॉर्थ वेस्ट मार्क करना, ये रहा। पीछे शायद ईस्ट गिवन है मेरे को लगता है, मुझे पता नहीं क्या गिवन है, नॉर्थ वेस्ट ही है, अच्छा वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? मैंने देखो, अच्छा ठीक है, डायरेक्शन कैसे ढूंढी? नॉर्मली इन टाइप के वेक्टर में सारे वेक्टर ओरिजिन पर ड्रॉ कर लिया करो, v1 वेक्टर भी ओरिजिन पे है, v2 वेक्टर भी ओरिजिन पे है, डेल्टा वी को उठा के ओरिजिन पर रख लो, तो इसको, इसकी कॉपी यहां बनाओगे तो ऐसे आएगी, तो नॉर्थ वेस्ट, और क्योंकि 5 और 5 बराबर है तो 45 डिग्री पे आएगी, बराबर मिड पॉइंट में आएगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। एक ही तरीका है, इसको ओपन कर दें क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। और क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत सही ऑप्शन दिया, ये वाला बच्चा इसको मार्क करेगा, कहेगा पेपर अच्छा हो गया, मेरे को चांस है इस बार मेरा पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, फिर नहीं आएंगे। पेरेंट्स सोचेगा तू पढ़ता है क्या करता है, समझ नहीं आती, को पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो यहाँ देख ही नहीं रहा कि इसका होल स्क्वायर, ए वेक्टर का होल स्क्वायर होता ही नहीं है। तो इसमें क्या करना है, इसको ओपन करना है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो ये टर्म आ गई। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँ या
या अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूं तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, तो माइनस टू ए क्रॉस बी आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं पे है नहीं। और दूर दूर तक मुझे ये भी दिख रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आंसर तो फिर वेक्टर ही आएगा ना, तो ये स्केलर आ ही नहीं सकते आंसर। हाँ जीरो का डर होता है, जीरो नहीं आ रहा तो फिर बाकी भी नहीं आएंगे, तो इसलिए आंसर नन ही आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है? जीरो, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो एंगल इनके बीच में क्या होगा? जीरो। एट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, देखो क्या एंगल होगा? 180। कैसे? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे आती है? में ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी निकालने का एक्चुअल तरीका ये है, राइट हैंड फोर फिंगर्स, ए क्रॉस बी, थंब का आएगा ऊपर, बी क्रॉस ए, चार फिंगर बी के साथ, क्रॉस ए, थंब का आएगा नीचे, ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस ए नीचे, ऊपर नीचे डायरेक्शन में, एंगल का फर्क क्या है? 180, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो आंसर क्या मार्क करेंगे? 180 की जगह क्या मार्क करेंगे? पाई, पाई का मतलब 180। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो याद रखना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में एंगल हमेशा क्या होगा? 180। नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर टेंथ, कितनों का हो गया ये? ठीक है, देखो आपको ना ध्यान से देखो, ये ए मैग्नीट्यूड है, कोई नंबर है जैसे 5, के पीछे बी कैप है, यानी कि ए मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन बी कैप के लॉन्ग है, और इसका मैग्नीट्यूड बी है, डायरेक्शन ए कैप के लॉन्ग है, ये गिवन है। अब वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, उसने ये नहीं पूछा करेक्ट, उसने गलत कौन सा है। सबसे पहले ये इक्वेशन मैंने लिख ली, और क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो दोनों वेक्टर बराबर है तभी इक्वल टू लगा हुआ है, और अगर बराबर है तो इनका मॉड भी बराबर होगा, इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तो मॉड लिया तो इसका मॉड ए आया, इसका मॉड तो 1 हो जाएगा, इसका मॉड मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क मत करना क्योंकि रॉन्ग मार्क करनी है तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर से इक्वेशन लिखी, ए और बी ऊपर बराबर है तो ए कैप बी कैप के इक्वल है, करेक्ट है, मत मार्क करना, रॉन्ग मार्क करना। नेक्स्ट है ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से ये प्रूव हुआ दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेकंड से ये प्रूव हुआ दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल है, ए कैप बी कैप बराबर का मतलब इनका डायरेक्शन भी इक्वल है, यानी कि कंप्लीट ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है। चौथा वेक्टर है, ऑप्शन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप, शक्ल से ही लग रहा है गलत है, कैसे? इसे ओपन करेंगे ए बी कॉस थीटा, इसे ओपन करेंगे 1 1 कॉस थीटा, यार ए बी और 1 1 में फर्क तो होता ही है, तो डी ऑप्शन पता लगी रहा है, डी ऑप्शन है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर निकालना आता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम कर लिया था, रस्सी से खींचने वाला, कि अगर इसकी रस्सी की वेलोसिटी यू है, बॉक्स की वी है, तो इसका कंपोनेंट वी कॉस थीटा यू के इक्वल हो जाता है, तो वेलोसिटीज बराबर हो जाती हैं, तो इक्वेट करके वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या गिवन है? फोर्स वेक्टर गिवन है, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट गिवन है r1 वेक्टर से r2 वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, तो आप फाइनल में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो s वेक्टर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, शॉर्टकट बताया था, डायग्राम की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस कर देंगे, और फिर वर्क डन क्या है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ले लेना, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th में ये बताना है, दो वैक्टर्स हैं ए वैक्टर और बी वैक्टर, और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, Which of the following is a unit vector perpendicular to both A vector and B vector? तो A vector, B vector के perpendicular कौन सा unit vector आएगा? Question को समझने के दो तरीके हैं, rather तीन तरीके हैं। पहला तरीका कि मुझे unit vector निकालना है,
और कैसे निकालना है, एक ऐसे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर एक नया वेक्टर निकालना है जो आप चाहते हैं कि ए और बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, तो आप सिंपली क्या करें, ए क्रॉस बी कर दें। तो यानी कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आएगा। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया, एन कैप आ गया। अच्छा ये नहीं, ऐसे कर लो, आपको ऑप्शन से पता लग रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की फॉर्म में आंसर आना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता क्या था, फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, ए बी साइन थीटा एन कैप, फिर एन कैप वॉज अ वेक्टर विच वॉज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जैसे ये आई है जे तो ये के हो जाता था, तो आपसे वो एन कैप पूछ रहा है, तो इसको इसके नीचे ले जाओ आंसर। तो पहला मेथड भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा जो ज़्यादातर लोग देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लो। मैं भी ऐसे करता हूँ, पहले ऑप्शन की शक्ल देख लेता हूँ सबसे बेकार कौन सी लग रही है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूंगा, बात वो वेक्टर की कर रहा है, दे वो कैप रहा है, तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इसका, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली ए बी वेक्टर के साथ ए कैप तो चलेगा ही नहीं, ये भी गया, तो क्या चलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये चले क्रॉस और डॉट डिवाइड कैसे हो सकते हैं, कुछ भी नहीं बनेगा इसका, तो फिर यही बनेगा आपका एन कैप आ जाएगा। तो कुछ एक दो ऑप्शन तो देख के भी इलिमिनेशन होती है, ठीक, आपकी मर्जी है, बाकी प्रैक्टिस है। कितने लोगों को इसमें डाउट है, नेक्स्ट में डाउट है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी, सर्कल में घूम रही है तो कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज सेम। व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी व्हेन एंगल डिस्क्राइब बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा। तो कह रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल थीटा है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। ये ना अगर डिस्कस करने चलूँ तो एक लंबा काम है, एक चैप्टर आएगा सर्कुलर मोशन, या एक्चुअल में सर्कुलर मोशन यहीं से स्टार्ट होता है। एक है सिंपल तरीका, मतलब कुछ भी ना करना, ज़्यादा डिटेल में ना जाना, बस सिंपली ऐसे कर देना कि आप सिंपली ये बोलें कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डेल्टा वी वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यही होता है। तो बेसिकली तो मेरे को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है, वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, तो ये भी वी है एंड ये भी वी है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, पर डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ वी का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर माइनस टू वी इंटू वी इंटू, एंगल उनके बीच में कितना डायरेक्शन चेंज हो गया, थीटा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लगा के तो यहाँ पर क्या आ गया, टू वी स्क्वायर कॉमन वन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ टू वी स्क्वायर इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, मैंने मैथ्स का फॉर्मूला लिखवाया था आपको वन माइनस कॉस थीटा का, सॉल्व करके टू वी साइन ऑफ थीटा बाई टू, आंसर आ गया। और सबसे आसान तरीका यही है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक। फॉर्मूला याद आ रहा है ना कि क्या फॉर्मूला था, नहीं तो ऑप्शन चेक कर लो, दिख ही जाएगा, याद आ जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू की फॉर्म में आंसर है, तो वहीं से याद आ जाता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला।
देखो इसमें मोमेंटम वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, पी वेक्टर मोमेंटम है और ये इसके इक्वल गिवन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। मैंने आपको ये फॉर्मूला कोई करवाया नहीं फोर्स और मोमेंटम का, हम न्यूटन के लॉज सीखेंगे अभी 15-20 दिन बाद। न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था फोर्स का, क्या फॉर्मूला था? फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूटन की एंट्री यहाँ से होती है। न्यूटन कहता है देखो जब तुम छोटी क्लास में करके आए हो मास इनटू एक्सलेशन वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें तो एक्सलेशन कांस्टेंट होगी और वो फंसा रहेगा। अगर धीरे धीरे गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, डीपी 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 है ना, स्मॉल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव यूज होना चाहिए। उसने कहा था कि फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, लेकिन छोटी क्लास में सिखाया नहीं जाता। ऐसे सिखाया जाता है डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेयर वेलोसिटी वी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मास हमेशा बॉडी का कॉन्स्टेंट है, तो क्या बना डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? हाँ आपने ये पढ़ा है, हम +1 में ये पढ़ते हैं है ना, तो हमारा तो कैलकुलस बीच में आएगा ना, तो कैलकुलस के साथ क्वेश्चन चलेंगे। लेकिन क्योंकि 9th, 10th और 7th में कैलकुलस था नहीं, तो फिर यही से काम चल जाता था। तो पॉइंट समझ में आ रहे, तो ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, बस ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला। वैसे फोर्स में आएगा पर इस क्वेश्चन के लिए एफ वेक्टर क्या है, डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर। यहां तक क्लियर है? तो एफ फैक्टर की वैल्यू आ गई, अब देखो क्वेश्चन है कि आपको मोमेंटम वेक्टर वो दे रहा है, ये रहा मोमेंटम वेक्टर दे दिया। मोमेंटम वेक्टर टाइम पे डिपेंडेंट है, देख रहे हो टाइम आ रहा है, इसमें एफ फैक्टर निकाल लो। एफ फैक्टर का फॉर्मूला डीपी बाई डी टी, पी वेक्टर को पूरे के पूरे पी वेक्टर को पी वेक्टर की जगह पुट कर दो और फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म टू कॉन्स्टेंट है, कॉस टी की डिफ्रेंसिएशन क्या है माइनस साइन टी, और साइन टी की डिफ्रेंसिएशन क्या है कॉस टी। ठीक हो गया, यहां से ये मोमेंटम वेक्टर आ गया, मोमेंटम वेक्टर आ गया, ये फोर्स वेक्टर आ गया, सॉरी मोमेंटम वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन था। ध्यान से ऑब्जर्व करो, आई कैप वाली टर्म को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 sin t cos t, जे कैप को जे कैप के साथ तो 4 cos t sin t। कहने का मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आंसर 90 डिग्री। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नया क्वेश्चन है आपके लिए, बट हर बुक में एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ये गिवन है, तो दोनों का आप अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो। ठीक है यहाँ तक? ठीक, और लास्ट एक पैरेललोग्राम है इज फॉर्म विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है एज साइड्स, तो साइड्स ए वेक्टर बी वेक्टर है, d1 वेक्टर d2 वेक्टर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो d1 वेक्टर d2 वेक्टर दो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, एक डायगोनल यहीं से स्टार्ट होगा और दूसरा यहाँ स्टार्ट होगा, तो ये फिगर बन गई। आपको बताना है a² + b² किसके इक्वल है। तो इसमें करना क्या है, आप इसमें ये देखें, अगर आप ये ट्राइंगल लें ये वाला, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर इसे कंटिन्यू कर रहा है d2 वेक्टर, और ये इसकी क्लोजिंग साइड है, तो बोलो रिजल्टेंट कौन है तीनों में से, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, d2 वेक्टर का और ए वेक्टर का।
तो डी टू वैक्टर क्या आ गया, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। सिमिलरली अगर डी वन वैक्टर का ट्राइंगल लें, ये रहा डी वन वैक्टर, एक वैक्टर है और ये रिजल्टेंट है किसका, ए वैक्टर का एंड बी वैक्टर का। तो डी वन वैक्टर रिजल्टेंट है ए वैक्टर का एंड बी वैक्टर का। तो यहाँ से डी टू वैक्टर आ गया, यहाँ से डी वन वैक्टर आ गया, तो डी टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर है ये, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। और डी वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये एडिशन है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। इसको स्क्वेयरिंग करेंगे डी टू स्क्वायर, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे डी वन स्क्वायर। अगर हम दोनों को ऐड करें इक्वेशन नंबर वन एंड टू, तो जो प्रूव करना है वो वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड करके देखो, डी वन स्क्वायर डी टू स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके जो प्रूव करना है उसका आंसर आ जाएगा।